ज्ञानतिमिर अंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातीशो पदान्तिकं वंदेहम श्रीगुरुसीयुतपकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री विशाखानित्वंश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आचार्य लोग की कृपा से साउंड थोड़ा एडजस्ट करो, इसको पतला करो, साउंड थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। और गुरु वर्ग की कृपा से विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी कृपा से महाराज पूज्यपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज की कृपा से आश्रय से हम लोग ये सुन रहे हैं प्रसंग। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि देखो भक्त लोग जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, उन लोगों का जीवन में जो सुख दुख आता है ठाकुर जी के हाथ में। तस्माद ईदम दैव तंत्रम, दैव का अधीन है। हे तो भगवान का भक्त, हे तो आस्तिक शरणागत है, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं ना, अरे इतना ठाकुर जी का भजन कर रहे हो, इतना पुण्यवान व्यक्ति है, लेकिन उनका जीवन में कितना परेशानी। देखो संसार में तो लोग का इससे ज़्यादा संदेह बढ़ जाता है ठाकुर जी का ऊपर। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नास्तिक है, जो लोग बहुत बदमाश है, वो लोग आराम से रहते हैं। जो भजन करने वाले हैं उनका जीवन में बहुत दुख है। जो महाजन लोग होते हैं ना, उन लोगों को पता है भक्त लोग का जीवन में जो आता है सुख दुख। ये क्या है? तस्माद ईदम दैव तंत्रम, ईश्वर अधीनम चक्रपत लिखे। वो क्यों दुख दे रहे हैं? ये दुख नहीं, भक्त लोग को ठाकुर जी कभी दुख नहीं देते। अगर वो दे रहे हैं ना, इसका कोई कारण है, ममता की वजह से। अगर ठाकुर मंगलमय है, उनका दुख क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग का स्वरूप है असत्य है, अज्ञानमय है, निरानंदमय है। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य है, चित है, आनंद है। तो उनसे जो फल मिलता है उनका फल, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, सत्य है, चित्त है। भक्त लोग जो दुख उठाते हैं इसमें भक्त लोग का कोई लस नहीं होता है, लेकिन ये दुख जो है ना, लगता है बाहर से दुख जैसा है, लेकिन भीतर में इतना प्रेरणा मिलता है ठाकुर जी का शरणागत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सहारा होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो सिद्धांत लिए है कि मैं राजा नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे वजह से इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ है, नरसंहार हुआ है, मैं इसका कारण हूं, ये नहीं मान रहे हैं। जीवन में जो कारण होता है ना, कुछ कर्म का कारण होता है, खुद को नहीं मानना चाहिए। नहीं, ईश्वर का भी कुछ हाथ है। भगवान इसलिए है ना, इसको कंट्रोलर बोलते हैं। कर्म तो हम कर सकते, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कोई सत्कर्म करने वाले फिर भी ईश्वर का अधीन में। कोई बोल सकता है क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो किसका अधीन में नहीं है। हम प्रजा है। ये भौतिक जगत में जैसा कानून चलता है ना, राइट, मुझे राइट डिसीजन चाहिए, मेरा अधिकार है, ठाकुर जी के पास ऐसा अधिकार नहीं चलता। हम अधीन है, वो स्वतंत्र भगवान है। किसका जीवन का साथ वो कैसे खेलते हैं पता नहीं, लेकिन दुख सबको देते हैं, ये न्याय नहीं है। ये सार्वकालिक, संस्कृत में बोलते हैं सार्वकालिक न्याय नहीं है। ऐसा नहीं सबको दुख मिलता है, सब भक्त को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबको नहीं दुख नहीं देते हैं। उनका इच्छा है, जिसका साथ खेलते हैं रस मिलता है। जैसे द्रौपदी को देखो, कितना बेहसा रहा होगा पांडव लोग, इसमें उन लोग भी रस मिलता था, पांडव लोग भी रस मिलता था। ये अलग होता है, दुख भी अलग है। भक्ति में जो दुख का स्वाद है ना, ये तो अलग होता है, वो जीवन देता है, क्योंकि दुख में अनुभव होता है ठाकुर जी का कृपा। भगवान आपको कृपा कर रहे हैं, इसका अनुभव कब आता है? जब दुख आता है, हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं। सबका कारण हम नहीं है, और हमारा ऐसा अधिकार नहीं है कि हम कर्म करके, कोई भजन करके फिर बोल सकते हैं कि मेरा अधिकार है। नहीं, कर्मण्येवाधिकार, ये भी भक्तों ऊपर भी प्रयोग है। कभी भक्त बोल सकता है मैं इतना भजन कर रहा हूँ, मैं इतना ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, ठाकुर जी क्यों मेरे बात नहीं सुनते? नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्तु, तो ये भी लगेगा। फल तो देने वाले ठाकुर जी है। तस्माद इदम दैवतंत्रम, विश्वनाथ चौक ठाकुर यही बोल रहे हैं। इदम सुख दुखादि दैवतंत्रम ईश्वरम अधीनम एवं, निश्चित्य व्यवस्य, निश्चित्य मन में फिक्स करना चाहिए, ये सुख दुख है, ये ईश्वर का अधीन है। भक्त लोग को ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर देना चाहिए, जो भलाई हो रहा है, जो बुराई हो रहा है। व्यवस्य भरताश्रव, तुम भरत श्रेष्ठ हो, निश्चित कर लो मन में। ये एक ऐसा खेल है, आप बिजनेस पर जो बिजनेस करते हैं ना, इसमें क्या होता है, बिजनेस जो भी करता है किसके लिए करता है? लाभ के लिए, या लाभ के लिए करता है, लस के लिए कोई थोड़ा ही करता है। ये भक्ति का ऐसा एक चीज़ होता है ना, भगवान की जो भक्ति ऐसा एक चीज़ होता है, इसमें लस नहीं। ये का ऐसा एक बिजनेस है, इसमें लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम शरीर चेतना में है ना, थोड़ा शरीर के लिए सब चीज़ मिल जाता है ना, खाना पीना अच्छा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, तो हम सोचते हैं ये ठाकुर जी का कृपा है। आजकल जो ठाकुर जी का कृपा है, जैसे आज क्या है, शिव जी का जन्मदिन है, मानते हैं ना लोग, शिवरात्रि है, लोग जाते हैं मंदिर में। जो इतना लोग गए ना ठाकुर जी के पास, तो क्या मांगेंगे? कोई मांगता है कि ठाकुर जी मुझे संसार से छुटकारा दीजिए? परेशान हो गया बोलते कोई भक्त। इधर भी जो आते हैं ना, ठाकुर जी को सब तंग कर दिए हैं, इतना मांगते हैं, इतना मांगते हैं, इतना, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। कोई ऐसा नहीं मांगता है प्रेम से, ठाकुर जी जिसमें मेरा भलाई हो वो कर दीजिए, मुझे आपका पास ले जाइए। ये सुख दुख इसको व्यापारी बोलते हैं ना हिंदी में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, व्यापारी बोलते हैं ना। आजकल उपासक हम नहीं है, ज़्यादा उपासना नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि हमारा मंदिर बहुत बढ़ रहा है, बाहर का मंदिर बहुत बढ़ रहा है, पूजा बहुत, भाई व्यापारी बन गए हैं सब लोग, मनोभाव बिजनेसमैन जैसा। तो ये करने से मुझे ये फायदा मिलेगा, ये करने से, ये सकाम भक्ति है, हम व्यापारी नहीं है। प्रेम में लेने देने का संबंध नहीं होता है, ये प्रेम संसार में नहीं है। इसीलिए प्रभुपा जी कहा करते एक का पास है, माँ जी का पास है। माँ, आज भी देख लीजिए जितना माँ लोग हैं उनको पता है लड़का शादी करेगा तो मेरा जिम्मेदार। क्या आप बोल सकते हैं नित्यानंद शादी करने के बाद आपका जिम्मेदार लेंगे? लेकिन ममता जो है ना, माँ जी का ममता जो है जमकर रहती है। एक ममता, प्रेम जो है ना, प्रेम को दर्शन करना है। प्रभुपाद जी बोलते थोड़ा है माँ का पास, और किसके पास नहीं संसार, माँ जी का पास। तो ठाकुर जी का पास जो ममता हमारा रहता है ना, आजकल तो ऐसा ना व्यापारी बन गए सब, कामना कामना कामना, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। तब सुख दुख जब मिलता है ना, मन हलचल हो जाता है। मैं ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ, क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लगे, कौन जिम्मेदारी लगे। ठाकुर जी जिम्मेदारी लगे पहले से बोल दिए हैं, गीता में बोल दिया ना, अनन्यश्चिंतयन्ते मां योनापर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षयम् वहामि। सबसे इंपॉर्टेंट है अहम। हम क्या बोलते हैं, वो मुझे बहुत मदद किए, वो प्रभु जी मुझे बहुत मदद किए, वो आदमी मुझे, कृष्ण मदद किए, वो आदमी नहीं। ये संसार में कोई मदद नहीं करते हैं, करने वाले कौन है? कृष्ण। ये सुप्रीम कंट्रोल, कोई देवता भी इसका उनका फल नहीं। उनका क्या बोलते हैं, फिक्स एमएल बोलते हैं ना, एमएल एमपी जो होता है ना, एमएलए एमपी, हाँ उनका फिक्स क्या बोलते, पांठी बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसका फंड है, एमएल एमपी का फंड है, कितना है, करोड़ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो देश, वो तो आता है गवर्नमेंट से, वो कितना दे सकते हैं इसके लिए फिक्स अमाउंट है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो इतना दे सकते हैं। जो सैंक्शन होता है वो देता है। इस संसार में जो भी जिसका भलाई करता है ना, ठाकुर जी जितना सैंक्शन करते हैं वो दूसरे का भलाई करते हैं, कंट्रोल वही है। हमारा तो ये भावना नहीं है, हमारा कौन भरण पोषण करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, भविष्य में मेरा क्या हालत होगा, भजन करने वाले का चिंता हो जाता है। जो माला फेरते हैं ना उनका भी चिंता हो जाता है, भविष्य में क्या होगा। अरे जो मातृगर्भ से हमको जिला, ये चाणक्य पंडित एक श्लोक लिखे हैं, तो याद नहीं आ रहा है, नोट्स में है, वो लिखे हैं, पुनः पुनः आलोच्य, एक चीज़ को बार बार आलोचना करना चाहिए मन में। मैं जब माँ जी का गर्भ में थे तो खिलाने वाले खोलते हैं, डॉक्टर खिला रहे थे, पिताजी खिला रहे थे। उस समय मुख कहाँ था, खिलाने वाले कौन थे, सोच लो, कृष्ण। और निकल आने के बाद मातृस्तन में दे देते बच्चों, क्या खाए, दूसरा चीज भोजन नहीं कर सकता है ना, उनको कौन देता है, कृष्ण। पास्ट में हेल्प किए, प्रेजेंट में हेल्प कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो नहीं रहेगा, कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे और कोई भगवान बन जाएंगे। भजन करने वाले का इतना नहीं होता है, इतना सुख दुख पकड़ लेता हम लोग को, सुख दुख ये बहुत बड़ा है, ये पकड़ लेता है, चिंता रह जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसलिए पितामह भीष्मदेव बोल रहे नहीं, तस्माद ईदम दैव तंत्रम, सुख दुख चक्रवर्ती लिख रहे हैं, इदम सुख दुखादि दैव तंत्रम ईश्वर अधिनाम एवं निश्चित्य तद विधिश्चितम। कोई प्रश्न करेगा, मैं तो ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ, इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कोई प्रश्न कर सकता है, इसका समाधान दे रहे हैं। विधिश्चितम दुर्गेयम इति उक्तम, समझ रहे हैं, विधिश्चितम मतलब इनका इच्छा क्या है, क्या उनका इच्छा है? जो राजा का लड़का होता है ना, राजा का लड़का कभी बांदर के साथ खेलता है, कभी शेर के साथ खेलता है, कभी हाथी के साथ खेलता है, वो राजा का लड़का है। एक समाधान चक्रवर्ती ने, ठाकुर जी कहाँ लिखे, कुंती चरित में शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखे, इस सृष्टि क्यों पैदा की है, कारण कौन है? भगवान है ना। कोई सुख में है, कोई दुख में है, कोई गरीब है, कोई देखो किसका डिवोर्स हो गया है, कोई इसका एक्सीडेंट हो गया है। ठाकुर जी ऐसे सृष्टि क्यों बनाए हैं? बोलिए। फिर खुद ही आते हैं इधर बुलाने के लिए, तुम आ जाओ, मेरा शरण में आ जाओ। इसे कोई समाधान नहीं है। वो बोल रहे हैं एक ही समाधान है। ठाकुर जी क्यों इसे संसार बनाए? कितना दुख है, गर्म है, ठंडी है, शरीर मिल जाता है, इसका पीछे मान अपमान, राग द्वेष, दुश्मनी, पैसा चाहिए जीने के लिए, फिर बुढ़ापा आ जाता है, मरण होता है, रोग होता है। इसे शरीर क्यों पैदा किया है? क्यों कितना फिर जो भजन करने वाले उनको दुख मिलता है, तो क्या कारण है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, देखो राजा का जो लड़का होता है, जो राजा है, राजा का लड़का है, राजा कुछ भी नहीं बोलता है, वो इतना स्वतंत्र होता है ना, वो बोलता है पिताजी मेरे लिए एक शेर ले आओ, मैं उनका साथ खेलूंगा। हाँ भाई ले आता हूँ। क्या बोलते जू क्या बोलते हिंदी में? चिड़ियाखाना। ही उड़िया में बोलते चिड़िया, हमें बोल गया चिड़ियाखाना बोलते हैं। चिड़ियाखाना में क्या रहते हैं? बंदर भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, देखिए ना, डियर्स भी रहते हैं, पक्षी वगैरह पंछी वगैरह रहते हैं, सब रहते हैं। और भीतर जब जाते हैं खुश लगता है ना, इधर बाघ है, इधर शेर है। राजा का लड़का आता है, खेलता है। हम लोग ऐसे हैं, कोई बाघ है, कोई शेर है, कोई मोर है, खेलने वाले कौन है? कृष्ण। इसका सिवा को दूसरा कोई समाधान आप नहीं दे सकते, पागल हो जाएंगे आप। क्यों ठाकुर मुझे पैदा किए? क्यों ठाकुर जी इधर आए? वो निश्चित करके बोल रहे हैं ये ठाकुर जी का खेलने का। हम लोग क्या है? डॉल्स है। ये पशु पक्षी हम है, बस जानवर है, खेल रहे हमारा साथ। राजा का लड़का है। और फिर क्या करते हैं बच्चे लोग? देखें, अच्छा इसे मनमाफी क्यों काम करते हैं? ये प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्ती, इसे मनमाफी ठाकुर जी क्यों करते हैं? इतना बड़ा सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय कर देते हैं, क्यों करते हैं? वो बोले देखो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जो है ना, पता है आपको, बालू लेकर वो क्या करते हैं? घर बनाते, एक बिल्डिंग बनाते, बिल्डिंग का भीतर बिल्डिंग बनाते। पिताजी का है तो कंक्रीट बिल्डिंग, छोटा बच्चा वो बालू ले आता है, मिट्टी ले आता है इसमें। और कभी कभी मैं देखा हूँ मैच बक्स इसमें वो बिल्डिंग बनाता है, पेपर में बिल्डिंग बनाता है। वो कितना 2 घंटा 4 घंटा इसका साथ खेलता है, कितना कोशिश करके बनाता है। आप तोड़ने के लिए जाएंगे, बोलेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं है। तोड़ सकते हैं? पिताजी भी नहीं तोड़ सकते। पिताजी पास में जाए ना, हल्ला करता है, क्यों इधर आए आप? वो इतना टाइम एफर्ट देकर वो सब करते हैं ना, फिर मन में क्या होता है? उछल जाता है मन। वो करते करते कंप्लीट हो गया या हाफ कंप्लीट है, फुल कंप्लीट हो गया, कभी उनका मन उछलता है, क्या बोलते हैं उसको, नाच लेता है और पाँव में एक लात लगाता है, भागता है। तो आप बोलेंगे वो लड़का को, तुम ऐसे क्यों कियो? वो आंसर नहीं देंगे, ये मेरा इच्छा है, तुम कौन हो? यही उत्तर है। भगवान जी क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो ऐसे हैं, वो जैसे हमारे साथ खेला करते हैं, फिर इच्छा होता है लगाते हैं एक लात, बस प्रलय हो जाता है। चलो सब मरो जाओ। ये जितना बड़ा कंक्रीट है, देखो कितना बड़ा, ये सब कुछ है, मार्बल है, फैक्ट्री है, सब कुछ चला जाएगा पानी में, काल का गाल में चला जाएगा। फिर सो जाएंगे। सोएंगे कहाँ? हम सो रहे, देखो कितना ये कोमल है, वो सोएंगे कहाँ? शेषनाग के ऊपर। ये उनका बेड है, ये बेडरूम, पानी का भीतर शेषनाग पर सो जाते हैं। वो इनका ख्याल है, इसका सिवा कोई समाधान नहीं है। इसलिए भगवान बोले मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र पुरुष। मेरा सब लोग मेरा अधीन में है, मैं किसका अधीन नहीं होता हूँ, लेकिन एक आदमी का अधीन में हो जाता, जो प्रेमिक होते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी, हम लोग भिखारी है ना, है ना, ठाकुर जी भी भिखारी है, प्रेम का भिखारी है, भीख मांगते हैं, इसलिए सन्यासी बन गए। कौन? कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा, प्रेम भीख मांग रहे हैं, प्रेम का भीख मांग रहे हैं आज, ये आस्वादन करने के लिए स्वतंत्र है। भक्तों को, भक्तों का ये बड़ा, बहुत बड़ा भाग्य है कि भागवत हमारे पास है, शुद्ध भक्त है, और जीवन इतना, आप अगर आलोचना पर्यालोचना करेंगे ना, ये जीवन इतना कठिन है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है आप लोग कैसा लग रहा है। मैं तो संसार घूम घूम कर देखता हूँ और भक्त लोग का जीवन और बाहर लोग का जीवन देखता हूँ, इतना प्रॉब्लम में लोग है, जो भविष्य में क्या करेंगे वो लोग, भक्ति अगर नहीं करेंगे। कुछ भी आराम नहीं है। क्या आराम मुझे बताइए, आप बताइए, यही आराम है, बताइए क्या आराम है? क्या करना आराम में, बोलो? सोना आराम है? सोना भी आराम नहीं भाई, इसके लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिक फैन लगेगा ना। हर जगह में श्रम, हर जगह में श्रम, फिर परेशान। इसलिए ठाकुर जी बोल दिए दुखालय है, इधर सुख नहीं है। हैप्पी होम, हैप्पी होम, हैप्पी, सब जगह में हैप्पी लगाते, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, पागल हो तुम क्या? तुम हैप्पी हैप्पी बोलते हो, ठाकुर जी बोल रहे हो ना हैप्पी, तुम बोलते हैप्पी हैप्पी, ये इतना पागल हो गए। अभी क्या एनिवर्सरी बोलते ना, 50, अरे तुम काल तुमको लीगन लिया है 50%, तुम बोलते हो 53 एनिवर्सरी, तुम्हारा कितना उम्र है भाई? अभी हैप्पी फिर हैप्पी लगाते हैं इसमें, तुमको क्या मिला भाई? हैप्पी बोलो, मुझे क्या हैप्पी मिले, फिर हैप्पी बोल रहे हो। कंडम बुद्धि हो गया, बुद्धि कंडम, कॉन्शियसनेस नहीं। इसलिए प्रभुपाद जब आए ना, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कौन से डिवोटी छोड़े हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत विदेशी लोग हैं ना, प्रभुपाद एक प्रीचर है जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। इसे राजा जैसा बोल रहे थे प्रभुपाद, उनको वो बोल रहे थे कि चाइना में ऐसा लोग है, चाइना में वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत हेल्प करता है। प्रभुपाद बोले हो ठीक है, तुम इतना बड़ा नॉनसेंस हो, जो इनोसेंट क्रीचर है, गाय वगैरह है, उनको भेज दो कहाँ, सुसाइड में। ये सब मैड मैन है प्रभुपाद का डिसाइपल, क्योंकि सब बैठे हैं ना, विदेशी लोग बैठे, मैड मैन विदेश को नहीं बोल सकते आप। प्रभुपाद बोलते हैं ऑल आर मैड, ऑल आर मैड। बोलते महाराज प्रभुपा जी, वी में से देम फूल, उनको फूल बोलना चाहिए। प्रभुपा जी नो, प्रभुपा बोले नो दे आर मैड। प्रभुपा बोलते हैं क्योंकि वो चाहते कि वो लोग क्या सोचेंगे, विदेश में ऐसे नहीं बोलते हैं, स्ट्रेट कोई नहीं बोलते हैं, इसलिए हर बात पर बोलते हैं सॉरी सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। इसका क्या, इतने गुस्से वाले होते हैं ना, आजकल इंडिया में ऐसा हो गया है ना, सबको बोलना पड़ता है प्लीज़ एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या इतना बार क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि प्लीज एक्सक्यूज का मतलब क्या है, आप गुस्से वाले हैं, प्लीज प्लीज बोलना है तो आप ठंडे हो जाएंगे। विदेश में ऐसा है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल बोले प्रभुपाद वी कैन से देम आज फुल, प्रोफेसर नो दे आर मैड मैन। तो सब हंसने लगे, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट प्रभुपाद बोलते थे। ये सही बात है, जो भगवान का स्थिति क्या है, हम कितना दुख में हैं, कितना परेशानी में हैं, इतना नहीं समझते, तो हम फुल से दुख मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत लोग सबसे इसलिए बुद्धिमान है, सुख दुख का कारण उनको पता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तस्माद इदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरतस्रव, ठाकुर जी जो निश्चित किए हैं ना, इसी हिसाब से तुम शासन करो, सुख दुख मत चिंता करो। हम सुखी है या दुखी है, क्या बोलेंगे आप भाई? सुख दुख, तो हम सुखी या दुखी है? जतो देखो वैष्णवर व्यवहार दुख, हम ये जागतिक सुख को सुख बोलते हैं, मटेरियल जो हैप्पीनेस है ना, हमारा सुख दुख का ऊपर चीज होता है। भक्ति क्या है? आत्मवृत्ति है ना, चित्तवृत्ति है। शरीर का साथ कोई संबंध नहीं है। सुख दुख चलता है, आपको पता नहीं। देख लीजिए वृत्रासुर का क्या हो गया। इंद्र उधर उनको बोला यही मेरा गुरु है, बृहस्पति सही गुरु नहीं, यही तो गुरु है। हाथ कट गया था और क्या बोले खून बह रहा था, नदी जैसा बह रहा था। फिर प्रवचन दे रहा था, इंद्र आ जाओ मरने के लिए आ जाओ, तुम्हारे पास अस्त्र है, मेरे पास थोड़ी अस्त्र है, मेरा तो कुछ नहीं है, अब मैं मरना तो निश्चित है क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारा पक्ष में। इंद्र देखा संसार में एक है भक्त जो मरने के लिए रो रहे हैं, हम सब जीने के लिए रो रहे हैं। अच्छे से मैं जी जाऊं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो एक भक्त है जो ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे थे, इंद्र को प्रार्थना कर रहे थे, मैं मरने के लिए इच्छा कर रहा हूं, मुझे मारो। वो रो रहे थे मरने के लिए। ये हमारा सिद्धांत है, हम रो रहे हैं अभी मरने के लिए। ये शरीर अच्छा नहीं है, एक प्रॉब्लम अभी कुछ, अभी रजगुण है थोड़ा करते हैं, फिर बुढ़ापन आ जाएगा, वही प्रॉब्लम, फिर एक शरीर पकड़ना है। ठाकुर जी जो शरीर दे है ना, आपकी सेवा में मैं लगाता हूँ, अभी मुझे ले जाइए। ठाकुर जी से दुखालय बोले हैं। इंद्र ने इसलिए बोला कितना निर्मल हो तुम, अहो सिद्धस्सी, तुम सिद्ध हो गए हो। असुर कुल में ऐसा महात्मा होते हैं, मुझे तो पता नहीं था। सब लोग जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छा से मैं जी जाऊं। हम लोग, मैं ये प्रसंग में बोल रहा था, भक्त लोग सुख दुख नहीं चिंता करना चाहिए। संपदे विपदे जीवन मरणे दाया मम गेला उपद वरण। वरण समझते क्या वरण है? ऐसा नहीं, ग्रहण ऐसा नहीं होता है वरण का शब्द। वरण माला देते हैं कब? शादी के समय। शादी करने वाले को पूछो, आजकल शादी करने वाले को भी पता नहीं वरण माला क्या है। वो तो हैप्पी मैरिज बोलकर लांप लगाते हैं, म्यूजिक बजता है, उनको पता नहीं वरण माला कितना वैल्यूएबल है। ये मंत्र है ना, मुझे तो पता नहीं, हम लोग तो शादी वगैरह कुछ पता नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़कर हमको पता होता है। वरण करता तुम्हारा चरण करीलू वरण अमार नहे तो आमी। ठाकुर जी मैं आपका चरण कमल को वरण कर लिया हूँ, मैं आज से मेरा नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना, ये हमारा सुख नहीं है, हमारा दुख नहीं है, हमारा यही जीवन है। ठाकुर जी मैं आपका हूँ। वरण क्या होता है? जो संकल्प माला बनाती है ना लड़के, वरमाला देते हैं, मैं जन्म जन्म के लिए आपको पति रूप से, उधर जन्म जन्म के लिए स्वीकार करते, मैं स्वीकार करता हूँ जन्म जन्म के लिए। इसको वरण बोलते हैं। और हमारा भी वरण है। क्या वरण है? चक्षुदान दिलजयी सिद्धांत सब हर जगह में। छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? विधवा बनेंगे, विधवा बनेंगे पति को छोड़कर? कभी नहीं। पति अगर आपको देखे ना, इतना हमारा भारत संस्कृति इतना सुंदर है, हम ऐसे इसको फॉलो करना चाहिए। पति अगर पसंद नहीं करती है ना, वो पसंद नहीं करता है पत्नी को, वो अलग रहती है पत्नी, फिर भी सिंदूर और या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चूड़ी। अच्छा चूड़ी, हमारे बोलते हैं चूड़ियाँ पहनता है पति है ना, जे हैं, ये दूर में रहता है, लेकिन मेरा पति है ना। अगर गुरुजी हमको रिजेक्ट कर देंगे, गुरुजी बोलेंगे, क्रोध करेंगे, हमको डांटेंगे, आश्रम से निकाल देंगे, फिर हमारा गुरु है। वरण किए हम, ये वरण है। यज्ञ दीक्षा क्या है? दीक्षा आप क्या समझते हैं? मेरा इनिशिएशन हो गया, क्या हो गया? भाई वरण करो, ये वरण है। गुरुजी को हम वरण किए हैं, इसलिए साखी कौन है? नहीं, भगवान ने। आप दीक्षा लिए ना, यज्ञ में क्या किसको किसको साखी रखते हैं? अष्ट साखी रहते हैं, पितामह भीष्म महाजन रहते हैं। देख लीजिए जो मंत्र है, मैं यज्ञ किया हूँ, मुझे पता है, ये नोट्स है। किसको किसको किसका नाम लेकर आप साखी रह रहे हैं कि मैं गुरुजी को वरण कर रहा हूँ, ये मंत्र ले रहा हूँ। इसलिए गुरुजी जब माला देते पहले से क्या बोलते हैं? 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, उसका ये शपथ है, उसका बाद हम वरण करते हैं गुरुजी का चरण। ये वर्ण छोड़कर कहाँ जाएंगे? सुख हो दुख हो नहीं छोड़ना है नहीं छोड़ना है। सुख दुख क्या है? हम ये सुख दुख का भक्ति जो है ना ऊपर का चीज़ है, सुख दुख से ऊपर है। सुख तो शरीर में लगे रहेंगे, आज सुख है कल दुख आएगा, कल दुख है सुख आएगा। लेकिन मैं वर्ण किया हूँ पारिवारिक जीवन में आजकल तो इसलिए कुछ नहीं, आजकल तो पति पत्नी दोनों झगड़ा लगता। पहले ज़माने में मैं एक ट्राइबल एरिया में जाता हूँ भागवत कथा करने के लिए, अभी तो बंद कर दिया हूँ, अभी तो आप लोग इधर उधर घूमता हूँ। पहले मैं उड़ीसा में था, पूरा बिल्कुल सब जगह कवर कर रहा था। एक ट्राइबल एरिया में देखा हूँ, याद आ गया उनका, उनका पिता, उनका लड़का जो है वो टीचर है, पिताजी पागल हो गए, पत्नी है घर में, माँ जी है। वो इतना प्रेम करता है उनके पिताजी को, क्योंकि पिता ये गंजा वगैरह खाकर वो पागल हो गया और ये दिन भर गाली देता है, दिन भर इतना खराब शब्द बोलते हैं कोई सुन नहीं सकेंगे। लेकिन जो पत्नी है ना, जो पत्नी है नहीं मेरा पति है, कितना ही पिटाई करता नहीं मेरा पति है, मेरा पति है। और उनका पुत्र जो है पास में एक दुकान है, उनको बोला है मेरा पिताजी जब भी आएंगे ना, मेरा पिताजी जब भी आएंगे जो चाहता है खाने के लिए उनको दे दो, जितना पैसा है मैं दे दूंगा, मेरा पिता है। कोई क्वेश्चन करता है क्या हम शान कर लेंगे, वैसा करते भाई पहले ज़माने में, क्योंकि वो सोचते थे ना जैसा मैरिज में विवाह में यज्ञ नहीं होता है, पहले ज़माने में मैरिज रात में नहीं होता था, कब होता था? सुबह जाते थे, सुबह सुबह 3 बजे जाते थे दिन भर, क्योंकि दिन में सूर्य का ज़रूरत है। शादी हो जाने का बाद उस सूर्य को जाते, दोनों जाते हैं ना, सूर्य को जल देते हैं, साखी आप साखी, हम दोनों शिव वरण किए, ये हम वरण करते हैं, ठाकुर जी का चरण कमल को वरण करते हैं, गुरु जी को चरण कमल को वरण करते हैं, छोड़कर कहाँ जाएंगे? अभी यही इनिशिएशन है जन्म जन्म के लिए, ये इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम नहीं है आप आज कर रहे हैं आपका मनमाफी कर रहे हैं कल छोड़ देंगे, ये सिद्धांत हम लोग का नहीं है। चक्षुदान दिलजयी जन्म जन्म प्रभु से, जन्म जन्म के लिए वर्ण किए, छोड़ नहीं सकते। इसलिए सुख दुख का ऊपर चीज है, वर्ण कर लिए तो कर लिए और क्या है, इसी चलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ एडीबोडी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो अभी प्रोफेसर है, विदेश से कॉल आ रहा है, अमेरिका आई है, उसका नहीं मैं भक्त संग में रहूँगा, वो मुझे बोल रहे थे। उनका जो मांझी है ऐसी सती है, पिताजी पूरा जमीन बेच दिए, ये बचपन की बात बोल रहे थे, पिताजी जमीन बेच दिए, क्योंकि इलेक्शन वगैरह जो था राजनीति में घुस गए, जमीन वगैरह बेच दिए, खाने पीने को कुछ नहीं है, परेशान है, बहन है, वो जो अभी प्रोफेसर है उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, मामा के घर में गए पढ़ने के लिए। गांव का आदमी सब बोलते हैं तो पिताजी इतना बुरा है ये, माँ जी बोलते नहीं मेरा पति परमेश्वर है, आज तक मेरा पति परमेश्वर है सब कुछ बेच दिए, खाने पीने कुछ नहीं था, जिम्मेदारी कुछ नहीं लिए, पत्नी बोलते नहीं मेरा पति परमेश्वर है ना, मैं नहीं बोल सकता। और इसी की वजह से आज लड़का सब कुछ प्राप्त कर लिए, और आज वो पति पत्नी दोनों वो भी माला कर रहे हो, वो भी माला कर रहे, फ्लैट हो गया, अभी उनका प्लाट है, 2 प्लाट है। इसे एक धर्म में जो बल होता है ना, धर्म में आकर्षण का बल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, अट्रैक्शन नेचर रहना चाहिए। जैसे आज शिवरात्रि है, जैसे फॉर्मेलिटी ने आज शिव मंदिर को हम जाएंगे, जो सही शिव जी का भक्त है ना उनका एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता है, मुझे हर दिन जाना है। एक ऐसा ड्यूटी नहीं समझना चाहिए, नहीं, कब ठाकुर जी का दर्शन मिलता है जब सब नेचुरल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे हवा, आप हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, श्वास या प्रश्वास, प्रश्वास और श्वास। अब जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं क्या, बताइए मुझे। अब ट्राई करते हैं मैं थोड़ा श्वास ले लूँ, ये चलता है, नेचुरल हो गया है। ऐसे भक्ति जब नेचुरल हो, स्वाभाविक हो जाता है, मेरा धर्म है, पुश क्या करेंगे, कितना किसको बोलेंगे तुम करो करो, मंगलारती आओ, भजन करो, माला करो, सेवा करो। पहले कुछ दिन आपको बोलेंगे, इसका बाद आपका स्वाभाविक हो जाना चाहिए। स्वाभाविक जब हो जाता है ना, तब आनंद मिलता है। प्रयास नहीं। जैसे आपको कोई शादी कर लिया, उनको बोलना पड़ता है भाई तुम परिवार के लिए पैसा कमाओ कमाओ, बोलना पड़ता है। वो सुबह से शुरू कर देता है प्लान, नेचुरल हो गया ना, उनका जिम्मेदार बढ़ गया। भक्ति ऐसा है, गुरु कृष्ण के लिए जो जिम्मेदार लेते हैं ना, श्वास प्रश्वास ऐसे चलता है ना, स्वाभाविक हो गया। सेवा भजन जब स्वाभाविक हो जाता है तब रस मिलता है। ये छोटे छोटे बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए भक्त लोग। मेरा ये सुख है, ये दुख है, ये हो रहा है, इसका मतलब हम समर्पण नहीं है, हम समर्पित नहीं। पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, तस्माद इदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरस्तस्रव, जाओ ठाकुर जी की इच्छा से राज्य शासन करो, तुम्हारा इच्छा मत रखो। तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हारा बात? यही हमारा जीवन। कृष्ण सुन रहे थे नाम भक्ति में ठाकुर क्या बोल रहे हैं, तेजिया अपना इच्छा घुचाओ जंजाल। संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खुद का इच्छा इतना बलवान हो जाता है ना, इतना खुद का इच्छा इतना बलवान हो जाता है, गुरुजी ठाकुर जी दिए हुए जो वाणी भीतर नहीं जाता है। खुद का इच्छा इतना बलवान, मुझे ये करना है, अहंकार वसत सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कल हम सुन रहे थे पृथु महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं भागवत में, प्रभु जी मेरा जो इच्छा है ना कभी पूर्ण नहीं करना। मैं कामना वसत कभी आपको प्रार्थना करता हूँ ना, प्रभु जी मुझे ये दे दीजिए, प्रभु जी मुझे ये दे दीजिए, इसमें पर भला नहीं। प्रभु जी मेरा बालोज था चरित हितम, बच्चों का इसमें क्या हित है, पिताजी माताजी को पता है। मैं बच्चा हूँ, आप मेरा माताजी पिताजी। ऐसा क्यों हो रहा है? जिसमें मेरा भला ही है आप कर लीजिए। खुद की इच्छा कुछ नहीं रखना चाहिए, ठाकुर जी का इच्छा है। ये जो कड़ है ना उसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। तस्माद इदम दैव तंत्रम व्यवस्य भरतस्रव। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं ठीक है ये भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा ऐसे सुख दुख जो होता है कितना सहन करना पड़ता है। तो हमारा मन में प्रश्न आता है ना, तो पूछ लेना चाहिए एक बार, ठाकुर जी आप क्यों सुख देते हैं? मुझे तो पता हो गया, पितामह युधिष्ठिर बोल रहे हैं। इसमें तो कोई कनेक्शन का लूज नहीं है, ये तो फिक्स है। चार्ज है ना? हाँ, चार्जर ले आए। हाँ, इसके लिए चार्ज चाहिए, ठीक है ले जाए। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक है पितामह भीष्म आप तो महाजन हैं, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, सुख दुख तो ठाकुर का अधीन में, लेकिन एक बार तो पूछ लेना चाहिए उनको, प्रभु जी आपका मन में क्या इच्छा है? क्यों भक्त लोग को इतना सुख देते हो, दुख देते हो, विशेष रूप से दुख देते हो, क्यों देते हो? उनको पूछना चाहिए एक बार। बोले पूछना है तुमको, पूछ लो, पास में इधर है। वर्ष है ना, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान मोयन माया लोके गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अरे तुमको क्या पता चलेगा, तुम बालक हो। ये माया में इसे आवृत रहते। भगवान क्या बोले, जोग माया समावृतम, जोग माया समावृतम सम्यक आवृतम। हम ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर सकेंगे, समझ रहे हैं ना, ठाकुर जी को हम दर्शन नहीं कर सकेंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं आवृत हूं, तो कैसे हम दर्शन करेंगे? और जोग माया को हटाने के लिए हमारा शक्ति है, हमारा सामने महामाया है, ठाकुर जी के सामने जोगमाया। दो पर्दा बोलते हैं ना हिंदी में, दुपर्दा है, हटाओ। फिर ठाकुर जी महामाया को हटाने के लिए क्या बोले? दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये महामाया के लिए बोले हैं। और जोगमाया के लिए क्या बोले हैं? नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृतम। बताइए हमारा क्या ताकत है? कृष्ण का क्या योजना है? क्यों कृष्ण ऐसे कर रहे हैं? तो दुपर्दा हो गया कि नहीं? आप बहुत बलवान होने का बाद एक काम कर सकते हैं, शरणागत होकर महामाया को हटा सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन जोग माया तो स्वतंत्र है। यही है और कुछ नहीं। पूछना है तुमको पूछ लो, ये पास में अनुवाद है। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशज में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजन शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं ना। हम मोहित हो गए, पता नहीं चलता है। ठाकुर जी ऐसे लीला करते हैं ना। आप सोच लीजिए, वो पांडव के पास आते थे, पहले प्रणाम करते थे किसको? कुंती को, युधिष्ठिर को, भीमसेन को। तो उनको पता चला ये भगवान है। गूढ़श्चरति माया, पूरा चिपका रहते थे ठाकुर जी। जो जितना भारी होता है ना, वो कहाँ जाता है? नीचे आता है। जो जितना हल्का है ऊपर आ जाता है। हम लोग हल्का है ना, इसलिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग का ज़्यादा है। बड़े हैं, बड़े हैं। ठाकुर जी बहुत ओजन है, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। मैं भगवान नहीं। कभी कभी गीता में बोल दिए सिर्फ, नहीं तो कभी नहीं बोलते मैं भगवान। ब्रज में कितना बार ऐश्वर्या आए, कितना बार ऐश्वर्या देवी आए, सिर्फ एक काम करने के लिए। कृष्ण भगवान है। ये प्रेमी भक्त का पास, ब्रजवासी का पास परास्त होकर चले गए। कितना कृष्ण भी कोशिश किए ना। जब मिट्टी खा रहे थे, बलराम बोले ना, माँ जी जशोदा माया मिट्टी खाए, बलराम ए कृष्ण नहीं, ये सब मेरा पीछे पड़े हैं। सब पीछे पड़ सकते हैं, बलराम नहीं। दाऊ जी तो बहुत तुमको प्रेम करते हैं, वो भी पीछे पड़ गए। तो जशोदा माता का इतना चिंता हो गई कि अभी तो रोग हो जाएगी, मिट्टी खा रहे हैं, रोग हो जाएगा ना। तो बोलो दिखाओ तुम्हारा। तब कृष्ण ने क्या दिखाया? विष्णु ब्रह्मांड क्यों दिखाए? बोला क्यों दिखाए? यशोदा माता सोच रहे कि मैं साधारण बालक हूँ, मुझे रोग हो गया, हो जाएगा, मैं मिट्टी खा रहा हूँ। मुझे दिखाना है कि मुझे ये दिखाना है कि मैं भगवान हूँ। ये फल उल्टी हो गया। यशोदा माता देखने के बाद और रोने लगा कि मेरा बालक को कोई भूत पकड़ लिया है। गया तुम्हारा भगवान पोस्ट चला गया उधर। कभी भगवान पोस्ट ब्रज में फिक्स नहीं करते, ब्रजवासी फैल देते हैं कौन भगवान है। जब गोवर्धन ऊपर उठा लिया ना, तब यशोदा माता कभी कभी कान्हा कभी कभी बोलते हैं, माँ तुमको पता है मैं कितना बलवान हो गया हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए ना, मैं गाय लेकर जाऊंगा वन में। अरे दिन में 3 बार तुम खाते हो, रोते हो, रात में अंधकार में रोते हो, तुम थोड़े वन में जाएंगे। माँ तुमको पता नहीं गोवर्धन में धारण किया हूं 7 दिन। जसोदा माता जाती है, मुख बंद कर देती, बंद करो, नारायण है घर में, उनकी कृपा से तुम बोल रहे, तुम किए हो, ऐसे बोलने से पाप हो जाएगा, बंद करो। अरे भगवान को बोलने नहीं देते हैं, उधर भगवान का प्रवचन नहीं चलता। ब्रज में भक्त का प्रवचन है। ये कुरुक्षेत्र में आए तो प्रवचन दे दिए, ब्रज में प्रवचन कुछ नहीं, प्रवचन भक्त का है। प्रेम का इतना बड़ा महिमा है, भगवान बोस हो जाते हैं। गूढ़चरति माया, ये उनका कृपा है, माया है, समझ में नहीं आते। तो हम नहीं पूछेंगे उनको। बोले देखो पास में है, तुम पूछ लो तुमको क्यों दुख मिल रहा है, आंसर तुमको नहीं मिलेगा। वो बोलेगा क्या मैं पितामह भीष्म से बड़ा ज्ञानी हो गया? ठाकुर जी बोल देंगे बोलो, पूछ लो। और ठाकुर जी तो नीचे माथा करके खड़ा है। पितामह भीष्म क्या बोल रहे हैं, ये क्यों मुझे बोल रहे हैं कि भगवान है? ऐसो नारायण साक्षात आद्यो नारायण है पुमान, ये भगवान है और आद्य नारायण है। प्रमाण आपको आपको देना है ना। कोई कोई बोलता है ना कृष्ण नारायण से अलग है ना, नहीं कृष्ण आद्य नारायण है, आदि नारायण। जब कृष्ण आए कैसे स्वरूप में आए? चारभुजा नारायण स्वरूप में। जब गए जरा जब सर मार दिया ना, उसके बाद जब ठाकुर जी गए कैसे गए? नारायण स्वरूप। और प्रमाण देना है आपको भगवान नारायण है। कई कितना प्रमाण है, गीता में देख लीजिए विश्वरूप। इधर देखिए महाजन बोल रहे हैं ये सब वही भगवान साक्षात, ये निश्चित भगवान है। कौन सा भगवान है? आद्य नारायण पुमान, पहला नारायण। तो पहला नारायण हमको तो पता नहीं था। ये कृष्णा क्या द्रौपदी, द्रौपदी जब कुकिंग करती है ना, किचन में घुस जाते कौन? कृष्णा। सब्जी वगैरह जो है ना कटिंग करने में हेल्प करती है, कृष्णा हेल्प करते हैं। पता चलेगा ये भगवान है? कभी नहीं। अर्जुन का जो रथ है साफ करने वाले कौन थे? वही साफ कर रहे थे, सुबह सुबह उठकर पूरा साफ भक्ति कर रहे थे। मैं सारथी हूँ। घोड़े को खाने पीने को कौन दे रहे थे? मैसेज करने वाले कौन थे? घोड़े का सबसे बड़ा आहार होता है मैसेज, मैसेज करने वाले कौन थे? कृष्ण थे। ऐसे किस महाभारत युद्ध में उनके लिए स्पेशल एक टेंट बनाए थे, कमरा बनाए थे दोनों मिलकर। कृष्ण आएंगे ना, पितामह भीष्म ने ऐसा व्यवस्था किए थे, कृष्ण आएंगे तो इधर ही रहेंगे महाभारत युद्ध में। ठाकुर जी आए तो सब लोग बोला ये आपका कमरा है, मेरा कमरा क्या है? मैं तो सारथी हूँ। सारथी कहाँ सो रहे हैं? उधर देखो कौन सा देश का सारथी है, कितना गंदा आदमी है, उनका साथ ठाकुर जी सो गए। मैं अर्जुन का सारथी हूं ना, तो किसका पकड़ में आएगा? ये भगवान है। इसीलिए लोग आज तक नहीं समझते हैं कृष्ण भगवान है। गीता लेकिन पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सर्वधर्मान जन्म जदा जदाई धर्म से बोल देंगे, जन्माष्टमी पालन करेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं ना, ये तो भगवान नहीं। क्योंकि ये रासलीला, रासलीला की है, ये भगवान ने। द्रौपदी को जब वस्त्र हरण ठाकुर जी वस्त्र हरण हुआ था, जब वस्त्र दिए हैं तब ये बोलेंगे हाँ ये कृष्ण भगवान है। वो प्रसंग बोलेंगे, प्रवचन देने के लिए। जब रासलीला आ जाएंगे अरे ठाकुर जी ऐसे किए हैं, अरे भाई वो सच्चिदानंदमय है। तो अगर वो किसको प्रेम कर रहे वो क्या होगा? स्वरूप जो है ना, स्वरूप धर्म रहता है। स्वरूप धर्म समझ रहे हैं ना, जैसा रसगुल्ला है, आपको गुस्सा लग रहा है, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, क्या खट्टी हो जाएगा? खट्टी हो जाएगा। रो रहे हैं फिर रसगुल्ला ले रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा? खट्टी हो जाएगा। उसका स्वरूप धर्म है, वो चेंज नहीं होता है। भगवान का स्वरूप धर्म ऐसा है। जैसे भागवत में सब लोग पूछते हैं ना, भागवत में ऐसे ऐसे शब्द लगाए, गोपी लोग को आलिंगन किए, चुंबन किए। भाई हमारा भीतर काम है, हमारा स्वरूप धर्म क्या है? काम। तो तुम कुछ भी करो इसमें काम है। और ठाकुर जी का स्वरूप धर्म क्या है? प्रेम है। अगर वो चुंबन करेंगे वो क्या होगा? प्रेम। कितना सरल फिलोसफी है, समझ नहीं आता है। वो सोचते मैं जैसा हूं ना ठाकुर जी भी ऐसा है, पता नहीं चलता है। माया गूढ़ चरंती माया है, तुमको पता नहीं चलेगा। अगर पूछेंगे तो कृष्ण हम लोग को इतना परेशानी, हम इतने परेशानी में हम कौन डाले हैं? हम लोग इतना दुख क्यों, जीवन में बहुत दुख उठाए क्यों? तो वो उनको अगर आप पूछेंगे ना, पितामह भीष्म बोल रहे हैं, वो बोलेंगे पितामह भीष्म जो बोल रहा है ना उसको मानो, मैं उनसे ज्ञानी नहीं हूँ। ये बड़ा माया भी होता है कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण को फॉलो करना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण को समझने के लिए कोशिश मत करो। अगर तुम समझ लियो तो तुम भगवान से बड़ा हो गए। हम तो सेवक हैं, वो तो भगवान है। कृष्ण को कोई दर्शन नहीं करता है, कृष्ण दर्शन देते हैं। कृष्ण कोई समझता नहीं है, कृष्ण समझा देते हैं। हमारा ज्ञान से हम कृष्ण को, कृष्ण का रूप गुण वर्णन नहीं कर सकते हैं, कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये हमारा फिलोसफी। मैं ठाकुर जी का, लोग बोलते हैं ना मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, नहीं, ठाकुर जी दर्शन। हाँ, फिलोसफी अंतर है ना। हम दर्शन कर लिए तो फिर वो अध्यक्ष से कैसे बने, भगवान कैसे बने? तुम बलवान हो गए हो, तुम शक्तिवान हो गए हो। इसलिए चिंता मत करो, उनका क्या इच्छा है उनको पता है, यही पास में है, मेरा चरण कमल में खड़ा है वो, उनको पूछ लो। तो ठाकुर जी का क्या इच्छा है किसको पता नहीं है क्या? नहीं, इच्छा किसी को पता नहीं है, लेकिन उनका लीला, उनका भाव जो तीन आदमी को पता है। पता है आपको कौन? इस संसार में तीन आदमी को पता है कृष्ण का जो लीला का रहस्य क्या है, और किसको पता नहीं। लेकिन इच्छा क्या है, क्या करने, जैसे पांडव लोग के साथ इतना बड़ा सुख दुख का खेल जो हुआ, क्या कृष्ण का इच्छा है किसको पता नहीं। काल भी हमारे साथ क्या होगा, क्या कृष्ण का इच्छा है हमको पता नहीं। अस्यानुभाव भगवान वेदम गुह्यतमा शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप। हे राजन, चार हैं, तीन चार, देख लीजिए कितना है। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल देव, तीनों, ठीक है। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल देव, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान को महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। जितना सीक्रेट होता है ना, लीला का जो सीक्रेट है, समझ रहे हैं ना आप, ठाकुर जी से क्यों लीला की, ठाकुर जी क्यों सारथी बने, ठाकुर जी क्यों विश्वरूप दिखाए, यशोदा माता ने क्यों बंधन की, ये जो लीला का जो रहस्य होता है ना, उनको किसको पता है? तीन आदमी को संसार में। पितामह भीष्म बोल रहा है, कौन कौन? शिवजी, देवर्षि नारद और कपिल देव। अस्यानुभाव वेद गुह्य तमम शिवम देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो मुनि। और किसको पता नहीं? रहस्य पता है, लेकिन इच्छा किसको पता नहीं। 8:30 में बंद करना है ना, टाइम हो गया। हाँ ठीक है, इच्छा किसको पता नहीं। ठाकुर जी क्या करने, क्या करेंगे कल हमारा साथ ठाकुर जी क्या लीला करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ फेंक देंगे, राजा बनाएंगे या भिखारी बनाएंगे। एक रूप गोस्वामी एक स्तोत्र श्लोक लिखे हैं पद्यावली में, ठाकुर जी कौन है, क्या बोलते हैं, डिजर्ट, क्या बोलते हैं, मरुभूमि जो, हाँ, बंजर भूमि बोलते हैं, बंजर भूमि। वो बंजर भूमि को ठाकुर जी क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा डिजर्ट है, समुद्र बना सकते हैं। समुद्र को क्या कर सकते हैं ठाकुर जी? उस श्लोक में लिखें, वो बंजर बना सकते हैं। ये बालू जो है ना, बालू को पर्वत बना सकते हैं, पर्वत को बालू बना सकते हैं। इसीलिए वो भगवान प्रभुपाद जी का भगवान संज्ञा क्या, भगवान जो संज्ञा दी है प्रभुपाद जी क्या बोले हैं? हु मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल एंड पॉसिबल टू इम्पॉसिबल इज गॉड। प्रभुपाद जी की डेफिनेशन है जो हु मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल और पॉसिबल टू, सब जो संभव को असंभव कर देते हैं। और तो भक्त लोग का यही विषय, तो आप कैसे भक्त बनेंगे? यही मेरे लिए जो असंभव लगता है ये नहीं होगा, लेकिन भगवान के लिए संभव है। ये विश्वास जब आएगा तो आप भक्त बनेंगे। इसे थोड़ा कमी है ना, हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भक्त लोग का विश्वास नहीं हटना चाहिए। असंभव हमारे लिए, हाँ, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी, दिस नॉट फॉर इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा। कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठाकुर जी के लिए नहीं। हु मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल एंड पॉसिबल टू इम्पॉसिबल हिज गॉड, वही कृष्ण है। इसलिए सबक लोग मिलजुल कर बहुत प्रेम से इस भागवत पढ़ना चाहिए। आप लोग का पास भागवत है तो ठीक है, नहीं तो प्रभुपा जी का भागवत लीजिए, हर दिन सुनना चाहिए। मंदिर में क्लास हो रहा है तो पढ़ना चाहिए, असंभव कुछ नहीं हमारे लिए। हाँ, इसीलिए हम ठाकुर जी को पकड़े हैं जो संभव कर सकते हैं। और संसार में अगर ठाकुर जी संभव नहीं किए तो कहाँ भी, समझ रहे ना। उड़िया में कहावत है, मरना है तो मुझे बड़ा हॉस्पिटल में जाना है, बड़े डॉक्टर के पास मरना है, छोटे डॉक्टर के पास क्यों मरेंगे। उथड़ा ऑपरेशन करेंगे फिर वो भेजेंगे कहाँ, जाओ बड़े डॉक्टर के पास, फेलोर हो जाएगा। मरना है तो बड़े डॉक्टर के पास मरना है। हम लोग ऐसे जो करेक्शन होना है, जो कुछ होना है, आ गए हैं गुरु और कृष्ण के पास, आगे बढ़ना है। ये विश्वास बिल्कुल रखना चाहिए। असंभव कुछ नहीं ठाकुर जी के लिए, गुरु के लिए। मैं बोल रहा था सुबह क्लास में, हमारा गुरु जी जब थे वो बोलते थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मर्सी मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। भगवान की जो कृपा है ना, देख लीजिए महाभारत क्या था। महाभारत में विजय होने वाले कौन थे, कौरव, उनका पक्षी पितामह भीष्म थे। अर्जुन के बराबर कौन थे, कर्ण, द्रोणाचार्य, सब अतिरथी थे। सिर्फ अतिरथी नहीं, ये अमर्थ है, इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल करते ठाकुर जी। एक एक को गिराना इम्पॉसिबल, सिर्फ पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। वो अगर जब तक वो अस्त्र पकड़ेंगे ना कोई उनको नहीं मार सकता है। वो बर कौन दिए हैं, ठाकुर जी दिए हैं। ठाकुर जी कैसे नॉलीफाई करेंगे बोलो, वो तो बर दिए हैं ना। असंभव था लेकिन सब संभव कर दिए। इसे भक्त लोग का बिल्कुल विश्वास, इसीलिए फैथ आदो श्रद्धा, ये अभी तो फर्स्ट स्टेप हमें गिर जाते हैं। इतना दृढ़ विश्वास, भक्त लोग का संग का यही फल होता है। जितना संग करते हैं ना उतना विश्वास बढ़ता जाए गुरु और कृष्ण से। असंभव कुछ नहीं मेरा जीवन में, सब कुछ संभव हो सकता है। यही भरोसा में हम आगे बढ़ते हैं, यही भरोसा है हम लोग का। ठीक है, अभी तो दूसरा प्रोग्राम है। आप लोग को धन्यवाद है। कल सुबह एक क्लास होगा, इसके बाद मुझे जाना है। हरे कृष्णा। आप लोग मिलजुल कर सेवा कीजिए। साधु गुरु हर समय है। जो उनको लोग सेवा करते हैं, जो भक्त लोग उनका सेवा करते हैं ना, उनको अनुभव होता है गुरु जी का कृपा कैसे। तो आप लोग मंदिर में आए, सेवा जो है ना, सेवा कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभुपाद जी महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति चारु स्वामी महाराज की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।